मैं मनी, जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मेरा चैनल है स्विमिंग बाय मनी, दूसरा टेक्निकल लवली मनी, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आज स्विमिंग स्टेट कुरुक्षेत्र में जो हो रही है, हरियाणा स्विमिंग स्टेट कुरुक्षेत्र में जो हो रही है, वो उसका आज सेकंड डे है। सेकंड डे की आपको सारी डिटेल दिखा दूंगा, सारी वीडियो दिखा दूंगा जो लंबी है, जैसे कि 1500 मीटर है, सॉरी 1600 मीटर है, और उसके बाद 800 मीटर है, इनकी नहीं दिखाऊंगा। 400 मीटर भी है तो उसकी थोड़ी सी क्लिप दिखा दूंगा, अदरवाइज़ जो लॉन्ग है उसके नहीं लिए, बाकी सारे स्ट्रोक है अलग अलग, फ्री स्टाइल ब्रेस्ट स्ट्रोक 50 मीटर सारे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोल दूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और हाँ, अगर आपने डे वन देखना है तो मेरे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप मेरे चैनल पर जाके डे वन हरियाणा स्कूल स्टेट का देख सकते हो, स्कूल स्टेट कॉम्पिटिशन कह लो या फिर कह लो चैम्पियनशिप, जो कुछ मर्जी कह लो। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं डे टू की, सारी वीडियो दिखाते हैं आपको, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, क्या बताया इसमें आपकी भी रेस है। तो चलो स्टार्ट करें जी। 800 मीटर चल रही है, 1600 मीटर हो गई है, और 800 मीटर अभी स्टार्ट हुई है, इसके 32 राउंड मारने हैं, तो अभी इनके 8-9-10 के राउंड हुए हैं, तो ये रेस नहीं दिखाऊंगा मैं। और 1600 मीटर में भी आपको पता है फ्री की बहुत लंबे हो जाएगी, आई एम 400 दिखा दूंगा, और उसके बाद जो ज़्यादा लंबी रेस है मैं 1 से 2 ही दिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा। आई एम 400 में भी आप समझ सकते हो कि ज़्यादा राउंड बचेंगे, ठीक है, 16-16 राउंड बचेंगे, तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। आई एम 1 की ही दिखाऊंगा जो ज़बरदस्त वाली होएगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट रेस, ठीक है, लगभग लास्ट वाली जो 50 मीटर वाली है वो सारी दिखाऊंगा आपको, और जो बड़ी रेसें हैं वो कम दिखाऊंगा। तो चलो नेक्स्ट रेस पे चलते हैं। ये 1600 मैंने छोड़ दी, 1600 भी नहीं मैंने वीडियो शूट की, और ये 800 भी मैं शूट नहीं कर रहा, ठीक है। तो इन्होंने बस ऐसे तैरते जाना है, बाकी उन्हें अपने अपना काम करते रहना है। भीड़ देख सकते हो आज भी खचा खच बड़ी पड़ी है, ठीक है। तो चलो अब रेस से स्टार्ट करते हैं। है ब्रेस्ट 200 मीटर, और अभी मैं हार्ड फोन लगा रहा हूँ, ये हो गई 200 मीटर ब्रेस्ट। तो फ्रेंड्स ये है 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक, जिसमें इन्होंने माने 8 राउंड, तो 8 राउंड माने हैं, चेक कर सकते हो। काफ़ी अच्छी चल रही है। तो फ्रेंड्स मैं लेट हो गया, जिसमें मैं बैक नहीं दिखा पाया, आई एम मैंने 1 दिखानी थी वो भी नहीं दिखा पाया, क्योंकि मैं वीडियो अपलोड कर रहा था, वीडियो एडिटिंग कर रहा था, वीडियो एडिटिंग करने में तो दिक्कत हो जाती है। अभी ब्रेस्ट में चेक कर सकते हो, काफ़ी लंबी, बहुत अच्छा, क्योंकि लंबे लंबे टच में बहुत अच्छा रहता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये सीजन, मतलब कि डे टू भी काफ़ी अच्छा लगे। चेक कर सकते हो बहुत अच्छा खींच रहा है ये, काफ़ी अच्छा खींच रहा है ये ब्रेस्ट स्ट्रोक में, मतलब कि पुश मार के होल्ड करके निकलना ये सबसे बेस्ट रहता है। इससे क्या होता है, जितने स्ट्रोक कम चलाओगे उतने जल्दी कम टाइम आएगा, मतलब कि सबसे बढ़िया रहता है, उसमें रेस भी ज़्यादा रहती है और हम थकते भी कम हैं। स्कोर में ये चेक कर सकते हो कि ये कितना बढ़िया चल रहा है, पर वो पुश में लीड दे रहा है बंदा, अच्छे कॉम्पिटिशन काफ़ी अच्छा चल रहा है ये। तो ब्रेस्ट दिखा रहा हूँ सबसे पहले मैं, तो पहले मैंने फ्री दिखाई है, वो लंबी थी, वो थोड़ी सी दिखाई है, बहुत अच्छा चल रहा है, पर उसका पावर जो पुश पावर है वो बहुत अच्छा है, चेक कर सकते हो पुश पावर से ही लीड मिल रही है उसको, पर ये बराबर इक्वल, क्योंकि अगर खींच लेगा 50 में खींच लिया तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, पर लीड का डिपेंड रहता है, पर दोनों सेम कर रहे हैं, कोई इंतराल नहीं कर रहे, मतलब कि बस पुश का दिक्कत है अभी, अभी पुश से लीड कर लेता है, पुश में लीड आती है, देखो वो बाहर जल्दी आ जाते हैं, तो लीड होगी सिर्फ पुश से लीड होगी। कंपटीशन जोर लग रहा है, सारे पावर लग रहे हैं, इन दोनों में पावर लग रही है। ओ ये क्या, ये क्या, क्या कर दिया है, एक लीड का उसको, मतलब की 1 राउंड का लिखा पड़ गया, तो जिसके कारण उसकी लीड मतलब की ज्यादा हो गया, मतलब की आगे था वो, उसको लगा कि राउंड पूरा हो गया, पर उसके कारण उसको लीड मिल गई बहुत ज़्यादा। अभी तो लास्ट का राउंड है, वो खींचेगा, होगी बहुत लीड होगी, एक कल तो मिस्टेक राउंड गिनने चाहिए, और ये फिनिश हुई 200 मीटर ब्रेस्ट, बहुत अच्छी ब्रेस्ट रही। सॉरी फ्रेंड्स, ये है खांसी, तो फ्रेंड्स इसमें शायद होगी हीट, तो ये चेक कर सकते हो, इधर भी चल रही है धीरे धीरे, ये चेक कर सकते हो, ख़त्म हो गई। तो चलो अब नेक्स्ट रेस पे चलते हैं,
तो अभी लगभग मैं कोशिश करूँगा कि सारी दिखाऊँ। अभी लंबी लंबी रेस भी 200 मीटर है, ठीक है, चेक कर सकते हो ये भी बेस्ट। ओ माय गॉड व्हाट इट्स। अभी मेरे ख्याल से हीट है ये, पर जो पहले जो टाइमिंग गई है वो सबसे बेस्ट है, तब चेक कर सकते हो। इसमें तो खैर वो है नहीं इतना, उसमें पूरा उम्र के मुकाबला चल रहा था, इक्वल चल रहा था, बराबर चल रहा था। इसमें तो इनका टाइम भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, पर सही खींच रहा हूँ। वो तो पुश कितना बढ़िया ले रहा है, बहुत अच्छा पुश है। पर पता क्या था, साथ में खींचने वाला ना तो तेज़ खींची जाती है, और खींचने वाला साथ ना हो तो दिक्कत हो जाती है। जिसमें आप चेक कर सकते हो कि ब्रेस्ट में लीड चल रही है, ठीक है, तीन जने चल रहे हो। ले नंबर वन वाला भी, सिक्स वाला भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, सिक्स और फोर का चल रहा है कि वो इक्वल चल रहे हैं। आप सिक्स मुझे लगता है आगे हो जाएगा, ये दोनों इक्वल है, चेक कर सकते हो सिक्स और फोर। ये ले नंबर थ्री वाला भी चल रहा है साथ में, इसकी पुश अच्छी है, पर ऐसी पुश रहेगी एंड तक तो लीड में कवर हो जाएगा। पर ये हैंड स्लो चला रहा है, बस किक इसकी उल्टी चल रही है। तो फ्रेंड्स चेक कर सकते हो, ये 200 मीटर बेस्ट स्ट्रोक की दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसमें अंडर सर ये अंडर 19 है, अंडर 17 चल रही है, ये अंडर 17 चल रही है, अंडर 17 चल रही है, तो भी अंडर 17 की हीट चल रही है ब्रेस्ट स्ट्रोक 200 मीटर, ठीक है। उसके बाद आ जाएगी शायद अंडर 19, उसके बाद गर्ल्स। ये सारी रेसें अब मैं दिखाऊंगा, लगभग वीडियो आपकी इतनी लंबी नहीं होगी क्योंकि अब मैंने बीच में बड़ी बड़ी रेसें काफ़ी मिस कर दी है। बैक स्ट्रोक की 100 मीटर देखने के लायक थी जो कि मैं मिस कर चुका हूँ, और वो इसलिए मिस कर चुका हूँ क्योंकि मैं अभी वीडियो अपलोड करने गया था, तो वीडियो अपलोड करनी ज़रूरी थी वो भी, और काफ़ी बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाई है मैंने, तो आप देख सकते हो। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। और ये अभी स्कूल स्टेट चल रहे हैं, आज तारीख है कि 10 और महीना का 9th और 2019, 10 तारीख स्कूल स्टेट का दूसरा दिन है ये स्कूल स्टेट में। अंडर 17 जो चल रहा है, आप अंडर 17 चेक कर सकते हो, और 17 का ही 200 मीटर चल रहा है। ये स्कूल स्टेट कुरुक्षेत्र हरियाणा में हो रही है, द्रोणाचार्य स्टेडियम में, जो कि सेक्टर 10 में पड़ती है, ठीक है। पर इसमें लीड ले गया, काफ़ी लीड ले गया, 6 नंबर काफ़ी लीड ले गया, आप चेक सकते हो, चेक कर लो। आपको सेकंड डे मिल रहा है, ये सेकंड डे में मुझे कमेंट आया था कि भाई मेरा दोस्त भी आ रहा है, रिले करेगा वो 200 मीटर। सॉरी भाई, मैं उसको कवर नहीं कर पाया क्योंकि तब मैं बिज़ी था काम में, क्योंकि वीडियो के काम में था, वीडियो एडिटिंग करके डालनी थी। एक लड़का है सोनीपत का, उसका नाम मैंने वीडियो में डाला हुआ है, वो उसने बटरफ्लाई में बहुत अच्छा टाइम दिया, 26 के बीच में दिया, 27 या 26 के बीच में दिया है, जो कि काफ़ी बढ़िया रहता है, ठीक है। पर वीडियो में मुझे 25 अराउंड, इसका वीडियो में पूरा एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता चलता, पर 25-26 के बीच में ही है, ठीक है। तो आप वो वीडियो देख सकते हो, और ये 200 मीटर अभी ख़त्म होने वाली है, ठीक है फ्रेंड्स, ख़त्म होगी 200 मीटर, चेक कर सकते हो। और ले नंबर 6 ने काफ़ी जल्दी मार दी, उसके बाद ये और उसके बाद जे, तो चलो अभी इनकी चल रही है, चलने दो, हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट रेस पे। ये चल रही है, आप चेक कर सकते हो रेस 200 मीटर, ये चेक कर सकते हो, चेक करो, बढ़िया। तो फ्रेंड्स ये हिट्स चल रही हैं, ठीक है, अभी इसमें 19 आ जाएंगी, जिनकी मैं वीडियो नहीं कर पाया वो कर सकते हो। ये देखो मोटिवेट किया जा रहा है, साथ ही साथ वीडियो बना रहे हैं और हाथ चल रहा है, दिखे जो स्विमर है करने वाला, उसको काफ़ी मोटिवेट मिले, जो जैसे ही वो सामने देखे तो उसको पता चल जाएगा कि मुझे आगे खींचनी है। तो मैं पहले जो पहले तीन आएंगे उन्हीं की दिखाऊंगा, जो पीछे लगे हैं उनकी दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, 1 घंटे के आसपास हो जाती है, फिर 4 GB 5 GB हो जाती है, और बात GB नहीं, बात ये है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। पहला 50 मीटर का ख़त्म किया है उन्होंने, ठीक है। तो अगर वो पुश देखो कितना बढ़िया जानवर है, ये चेक कर सकते हो, दोनों लेग्स कर रहे हैं कवर, कंपटीशन और लैंड नंबर ब्लॉक, ये तो ख़त्म हो गया, डिस्क्वालीफाई हो गया, ये ब्लॉक नंबर लैंड में आ गया, ये अपनी परली लैंड छोड़ के इसमें आ गया। नोज बिन लगा के वो ब्रेस्ट कर रहा है, नोज बिन लगा के ब्रेस्ट कभी नहीं होती रेस, तो नोज बिन लगा के तो रेस कर ही नहीं सकते फ्रेंड्स, चांसेस रहते नहीं है नोज पिन के साथ। चेक कर सकते हो ये ब्रेस्ट काफ़ी बढ़िया है, ये ख़त्म हुई, और ये पुश,
ये सही है, बेस्ट चल रही है 200 मीटर। देख लो देख लो, जो वीडियो में रह गए थे जो नहीं आ पाए थे आई एम में, उनके लिए सॉरी। और अभी जो जिनकी रेस चल रही है वो चेक कर सकते हैं, आगे वाली चेक कर सकते हैं, ये देखो कितनी लीड में पीछे चल रहे हैं। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्रैक्टिस करके आओ, टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। पेरेंट्स का, अपनी स्टडी, सारा कुछ, तो प्रैक्टिस इतनी करो कि एटलीस्ट टक्कर का हो, एटलीस्ट अच्छी स्विमिंग हो। ये चेक कर सकते हैं, ये दोनों एकदम टक्कर पे चल रहे हैं, दोनों इक्वली है, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। अभी ये चेक कर सकते हो, जो आगे हल्का पर ले नंबर 3 हल्का सा आगे चल रहा है, ठीक है। तो ये चल रहा है, खींच रहे हैं। तो ये हुआ टच और गो बैक, ये चेक कर सकते हो, लीड देता हुआ, तो ले नंबर 3 का लीड काफ़ी देता हुआ, पर वो कवर कर लेगा मुझे लगता है लास्ट राउंड में। अभी कवर कर रहा है, काफ़ी कवर कर लिया उसने, कि ये चेक सकते हो 3 थोड़ा स्लो हो गया, और ये 2 नंबर हीट वाला ज़्यादा थोड़ा फास्ट हो गया। तो ये मोटिवेट करने के लिए सारे खड़े हैं, पर कुछ बोल नहीं रहे, चुपचाप देख रहे हैं, ठीक है, बोल रहे हैं। ये चेक कर सकते हो, काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, ये चेक कर सकते हो, तो फ्रेंड्स 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक खींचते हुए जोरों जोरों से लीड देके उसको कॉम्पिटिटर को देखने का क्या फ़ायदा, लेकिन चेक कर सकते हो कॉम्पिटिटर को देखने लग जाते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये देख सकते हो 3rd नंबर पे इसने की ख़त्म, ये हुई ख़त्म करने थे दोनों में, और ये चल रहा है बहुत पीछे। तो चलो अब नेक्स्ट रेस पे चलते हैं, गर्ल्स अंडर 17 ब्रेस्ट स्ट्रोक 200 मीटर। अब चेक कर सकते हो 200 मीटर में ये खींच रहे हैं, ये चेक कर सकते हो, करो 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 करो, अंडर 17 की गर्ल्स है, मतलब कि 8 और 10 की, और ये चेक करो 200 मीटर इनकी पहली हीट है ये, ठीक है। उसके बाद दूसरी हीट होगी या नहीं होगी ये तो पता नहीं चलेगा, बाद में पता चल जाएगा। अंडर 19 आती है, 17 आती है, वो पता चल जाएगा आपको तुरंत तुरंत, इसके बाद होएगी जो रेस आपको दिखा देंगे। चल चेक कर लो फिलहाल, क्योंकि लॉन्ग खींचना सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, ये चेक कर सकते हो। अभी ये ब्लॉक 1 ब्लॉक 3 और ब्लॉक 5 ये लगभग सेम ही है, आप चेक कर सकते हो, ये ब्लॉक ये चेक कर सकते हो, सेम है, एकदम सेम है, कोई मतलब कि हल्का मामूली फर्क है, उसका गोगल्स उतर गया, तो ये चेक कर सकते हो। ब्लॉक 3 गोगल्स के चक्करों में पीछे हो गई, क्योंकि उनका गोगल्स उतर गया था, गोगल्स का काफ़ी दिक्कत रहती है अगर उतर जाता है तो। तो गोगल्स ने देखो फ्रेंड्स, मतलब कि बराबर चल रहे थे, गोगल्स के कारण इशू आ रहा था। तो अभी चेक कर सकते हो कि ले नंबर 3 ने दे दी लीड, अभी ले नंबर 3 सबसे आगे है, और ले नंबर 5 भी खींच रही है साथ ही साथ, क्या कर सकते हैं। ले नंबर 3 ये देखो, ले नंबर 3 ने कंप्लीट किया 4। अब ये सबसे आगे चले ले नंबर 3, ले नंबर 5 सेकंड नंबर पे है, ले नंबर 3 पहले नंबर पे है, मतलब कि ले नंबर 1 तीसरे नंबर पे है इस टाइम, ले नंबर 3 सबसे आगे जा रहे हैं। तो ब्रेस्ट 200 मीटर फ्रेंड्स, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो बीच में रेस रह गई है उनके लिए सॉरी, और बाकी जो रहती है वो मैं आपको दिखा दूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी उसके लिए सॉरी, और मैनेज कर लेना थोड़ा बहुत, मैं बस 1 घंटे तक ही करूँगा। इवेंट पूरा करिए, इवेंट तो पूरा हो गया जी, नहीं इवेंट इवेंट पूरा होगा, मतलब कि जो ज़्यादा लंबी रेस है वो नहीं होगी, इवेंट तो पूरा होगा। तो फ्रेंड्स आप चेक कर सकते हो, इनमें अभी नेक्स्ट हीट आई थिंक है, शायद एक और हीट है अंडर 17 की गर्ल्स, और इसके बाद शायद अंडर 19 है, 19 के शायद हो गया, आई डोंट नो, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो, मतलब कि अभी कंटिन्यू आपको रेस दिखाऊंगा, ये आप चेक कर सकते हो। अभी सबसे हीट में चल रहे हैं ले नंबर 3, ठीक है, और जो ले नंबर 5 है वो सेकंड पे है, ले नंबर 1 है जो 3rd पे चल रहे हैं, जज्जर से ले नंबर 3 वाले, ओके, और ले नंबर 3 वाले कहाँ से है, जज्जर से गोल्ड लिया इसने पहले की। अच्छा, तो फ्रेंड्स आप चेक कर सकते हो, पहले किस में गोल्ड लेके गए, पहले गोल्ड किस में गया, ब्रेस्ट में 50 मीटर, हाँ 50 मीटर ब्रेस्ट जो कल हुई थी। अच्छा, तो फ्रेंड्स ये चेक कर सकते हो, हर्षिता शर्मा फरीदाबाद की फर्स्ट,
और सेकंड में आई है ले नंबर 5 में और में अभी चेक कर सकते हो काजल राय राय स्पोर्ट्स स्कूल ये चेक कर सकते हो और चज्जर के ले नंबर 3 में। तो फ्रेंड्स ये चेक कर सकते हो, ये इनकी लीड चल रही है और इनको मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये 4-5 जने हो गए हैं। अब नेक्स्ट रेस पे चलते हैं। ये है 19 ब्रेस्ट स्ट्रोक 100 मीटर 2 क्योंकि 200 ओ जहर 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 ये चेक कर सकते हो। ले नंबर 3 वाला जहर कर रहा है, जहर जहर को देख लो आप एक बार ये जहर। तो फ्रेंड्स ये 19 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक, इनकी भी हीट होनी है और उसके बाद 19 की गर्ल्स आ जाएगी और हीट भी दिखाऊँ क्या ये चेक कर सकते हो। हाथ आगे जाने चाहिए, ये सही आगे हाथ लेके जा रहा है। चिंटू के लिए लिसन है ये है नहीं, और देखो हाथ कितने आगे जा रहे हैं, ये आगे सीधा वो नीचे ले जाते हैं। बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा ख़त्म किया। ये चेक कर सकते हो आगे वो जहर मतलब सही खींच रहा है 3 वाला, बाकी ये भी खींच रहे हैं बेचारे। लगे रहो इंडिया, ये पूछ देख लो, ये देख लो फील्स मार लो। तो फ्रेंड्स अभी वो 3 ले नंबर 1 2 3 पहले नंबर पे जा रहा है, 1 दूसरे नंबर पे जा रहा है और ले नंबर 2 तीसरे नंबर पे जा रहा है। तो आप चेक कर सकते हो रेस चल रही है ज़बरदस्त वाली, अगर आप यहाँ पे होते तो नज़ारे लेते पूरे पूरे। चलो आप मेरी वीडियो के जरिए देख लो, स्कूल स्टेट कुरुक्षेत्र 2019 आज दिन हैगा सेकंड, मतलब कि 10 तारीख है, सेकंड डे है स्कूल स्टेट का। फर्स्ट डे आपने अगर देखना है कॉम्पिटिशन देख सकते हो, मैंने लगभग सारा कॉम्पिटिशन पाया, उसमें कुछ चंद रेसे नहीं है। सारी रेसे मैं नहीं कवर कर सकता, अगर सारी रेसे कवर करूँगा तो वीडियो कम से कम नहीं तो 3 से 4 मतलब कि मूवी से भी ज़्यादा लंबी मेरी वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैं कुछ कुछ वीडियो कवर कर रहा हूँ, कुछ कुछ नहीं कर रहा हूँ। मतलब कि जो बकवास है वो मैं डिलीट मार देता हूँ, जिनमें जोर लगा होता है वो मैं चला देता हूँ। तो आप चेक कर सकते हो, मतलब कि जो आपके देखने के लायक है वही रेसे लगाता हूँ, जो नहीं है वो नहीं लगाता। तो अंडर 19 में ये चेक कर सकते हो कितनी बाइक की हाइट देख लो, अगली हीट इसकी भी होगी, पर डिपेंड करता है हाइट के ऊपर नहीं डिपेंड करता है कि बंदे की प्रैक्टिस कितनी है। हाँ हाइट अपने एडवांटेज देती है कि हम एडवांटेज अगर हमारे हाइट का ये रहता है कि हम जल्दी कवर कर देते हैं, जहाँ उस बंदे ने 4 हाथ मारने तो उसके 2 हाथ छोट हो जाते हैं, ये काफ़ी बढ़िया एडवांटेज रहता है। ये लास्ट राउंड 200 मीटर का और ये चेक कर सकते हो ब्रेस्ट स्ट्रोक 200 मीटर अंडर 19, मतलब कि 11-12 साल कहते हैं, 10th और +1 +2 के लड़के होते हैं इसमें, और 9th और 10th होती है अंडर 17, मतलब कि क्लास के हिसाब से भी देखा जाता है, सिर्फ एज के हिसाब से नहीं देखा जाता है, चाहे एज छोटी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर एज बड़ी नहीं होनी चाहिए और क्लास बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये दोनों का फ़र्क रहता है। हाँ अंडर जो 9th क्लास वाला है वो अंडर 12 में कर सकता है, मतलब कि बड़ी एज कैटेगरी में वो कर सकता है, छोटी क्लास वाला बड़ी क्लास वाला छोटे में नहीं कर सकते चाहे उसकी एज वो हो। बाइक खींच गया लास्ट में, बाइक ने जोर लगा दिया अच्छा, और ले नंबर 1 ने भी काफ़ी लीड दे दी। तो फ्रेंड्स टाइम देखा जाए तो इन्होंने काफ़ी जल्दी ख़त्म कर दिया, ले नंबर 2 ने काफ़ी अच्छा टाइम दिया, 1 ने भी काफ़ी अच्छा टाइम दिया, अब ये ले नंबर 2 चल रहा है, सॉरी ले नंबर 1 और 3 ने काफ़ी अच्छा टाइम दिया। ये अब टाइम पूछ रहा है कोच से कितना टाइम दिया मैंने, अब ये बताएगा अच्छा ये हीट नंबर 2 का टाइम ले रहे हैं कोच साहब, ये लिया टाइम। तो फ्रेंड्स ये रह गए, चलो अब नेक्स्ट रेस पे चलते हैं। हीट 19 के लिए हीट 2 है, बीच में मिस है, ये चेक कर सकते हो, इस बाइक की लंबी हाइट है, ये चेक कर सकते हो एडवांटेज क्या रहता है, कितने दूर तक चला गया ये देखो। पर ब्रेस्ट स्ट्रोक इसका ऐसे ही लग रहा है, ये चेक कर सकते हो हाइट लंबी होने के बावजूद, तो अगर इसका ब्रेस्ट स्ट्रोक सही हो, अगर ये रेस अच्छी करे तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज है इसको स्विमिंग में, बहुत कितने जहर एडवांटेज है। और इसकी शूट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसकी हाइट बहुत अच्छी है, अगर ये सही स्विमिंग करेगा तो ये बहुत अच्छी मतलब कि मेडल लेके आ सकते हैं। आप चेक कर सकते हो कि इतना ज़्यादा इसका बॉडी इतनी खास बढ़िया है इसकी कि अगर ये एक एक हाथ मारेगा कितना दूर तक पहुँचेगा, और ये देख लो भाई। और हीट नंबर ब्लॉक नंबर 5 जो है वो भी काफ़ी अच्छी खींच रहा है, तेज़ खींच रहा है, ये चेक कर सकते हो, वो देखो उसकी हाइट लगभग मेरे हिसाब से इन सबसे छोटी हाइट उसी की है, पर वो काफ़ी अच्छी खींच रहा है, ये चेक कर सकते हो। तो डिपेंड रहता है प्रैक्टिस के ऊपर, ये चेक कर सकते हो कितना अच्छा खींच रहा है, पर डिपेंड रहता है कि अगर आपके साथ कोई खींचने वाला नहीं है तो आप ज़्यादा जोर नहीं लगा पाते, तो खींचने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपके साथ खींचने वाला होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स चेक कर सकते हो उसकी हीट। तो चलो अब नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं क्योंकि इसमें 3-4 है, तो ये आपको पता लग गया होगा उसने हीट टाइम देना है जो देना है, और मुझे लगता है कि वो काफ़ी अच्छा टाइम दे देगा, पर उसने 50 मीटर काफ़ी टाइम जल्दी में पूरा कर लिया, पर वो काफ़ी अच्छी कर रहा है, ये चेक कर सकते हो ब्रेस्ट स्ट्रोक बहुत अच्छी कर रहा है वो,
पर अगर उसके साथ खींचने वाला कोई होता ना, मतलब कि जैसे कि जो पहली रेस में अगर वो होता तो उसका काफ़ी बढ़िया टाइम आ जाता और वो अच्छा कंपटीशन दे देता। तो चलो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट रेस पे चलते हैं। ये अंडर 19 की गर्ल्स है, 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक, इसमें हीट नहीं है, पहली बार में पता लग गया कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये स्टार्ट तो अच्छा लगे, बाकी देखते हैं। तो फ्रेंड्स ले नंबर 3 वाले काफ़ी हीट में ले चलेगी आगे, क्योंकि काफ़ी अच्छा स्टार्ट दिया उन्होंने, मतलब दिया नहीं किया, किया पता नहीं क्या बोली यार, जो दिल में आ रहा बोली यार। तो काफ़ी बढ़िया है, 25 मीटर में काफ़ी बढ़िया टाइम दे दिया है, और चेक कर सकते हो कि एक और पुश लेके काफ़ी दूर तक निकल रहे हैं, कम से कम हैंड चला रहे हैं। नोट किया जाए 1, 2, 3, 4, 5। तो फ्रेंड्स पांच हाथ में उन्होंने हाफ क्रॉस कर दिया, पूरा 25 मीटर करते हैं, 25 मीटर में कितने हाथ चलाते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैं चिंटू को प्रैक्टिस कराता हूँ एकदम जेन्युइन वाली, वो छोटा है उसके हिसाब से उसके 8 हाथ होने चाहिए, पर इसके हिसाब से इसके 7 होने चाहिए, पर बहुत अच्छा चल रही है। इससे क्या होगा, इसका टाइम कम आएगा और थकेगी कम, जिसमें ये 800 मीटर 200 मीटर बड़े आराम से मार देगी और लीड भी अच्छी खासी आ जाएगी। तो फ्रेंड्स चेक कर सकते हो कितना आराम से मार रहे हो और कितना जेन्युइन बज रहा है, हाथ कम से कम बज रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, कम स्ट्रोक करना होता है हमने और उससे हमारे काफ़ी रहते हैं। ये चेक कर सकते हो कि ये 15-15, 20-20 हाथ मार रहे हैं, जिसमें 25 मीटर इन्होंने कंप्लीट करना है। तो 25 मीटर में 15 हाथ मार दिए, 100 मीटर में इन्होंने मार देने पता नहीं कितने, ठीक है ना, 15-30 हाथ तो इन्होंने 50 मीटर में मार देने हैं। ठीक है, तो सोचो 200 मीटर में कितने हाथ मार दिए, ठीक है ना, मतलब कि 50 मीटर में 30 हाथ, 60 हाथ मार दिए इन्होंने, 100 मीटर में 60, 120 हाथ मार के इन्होंने 200 मीटर फ्री करनी है, और जोर मार के अपने कितने बजने हैं, 8 चौका समझ ला, हिसाब लगा लो 8 चौका कितने होते हैं, उतने हाथ बज के रेस ख़त्म हो जानी होती है। तो पहले स्ट्रोक में जो 50 मीटर में उसमें हाथ और कम बचते हैं, रीज़न क्या रहता है, उसमें डाइविंग में हम काफ़ी कवर कर लेते हैं, तो 8 चौका नहीं आएगा, मतलब कि हाँ लगा लो 8 चौका लगा लो, 32 हाथों में रेस ख़त्म हो जानी है, तो वो डबल हाथ मार रहे हैं, 32 हाथों में रेस ख़त्म हो जाती है, 32, 38 में 200 मीटर ख़त्म हो जाना चाहिए ब्रेस्ट स्ट्रोक। चलो दे रहा है, दुरुस्त है, इनको भी अकल आई कि हमने लीड खींच के लेके जानी है, ये भी सही कर रहे हैं पर हाथ खींचने गए। तो फ्रेंड्स ले नंबर 1, 2, 3 सबसे ज़्यादा आगे जा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद जा रहे हैं ये ले नंबर 5, उसके बाद जा रहे हैं ले नंबर 2, उसके बाद जा रही है ले नंबर 4 और ले नंबर 1 का तो पता ही नहीं है कितनी हीट में पीछे जा रहे हैं। तो इसने लगभग 50 मीटर से ज़्यादा 30-35 मीटर का गैप दे दिया है, 25 मीटर का ले नंबर 2 को गैप दे दिया है ले नंबर 3 ने, जो कि काफ़ी बढ़िया है। ले नंबर 1 का मुझे लगता है लास्ट राउंड है, तो क्या ज़बरदस्त रेस करके आराम से पूरी कर गए, ये लो गोल्ड, चोको गोल्ड उधर जा रहा है, ये सिल्वर आ रहा है, ठीक है, उसके बाद वो परे आ रहा है अपना ब्राउन, इसमें फाइनली है ये, इसमें कोई हीट नहीं है और 200 मीटर मैं शायद नहीं कवर पाऊँगा, उसके लिए सॉरी। रीज़न क्या है, रोटी खाने का टाइम हो रहा है, रोटी खाने चलेंगे, ठीक है, ये हो गई ख़त्म हमारी 200 ब्राउन सिल्वर, सॉरी सिल्वर, तो ये ब्राउन चेक कर सकते हो, ब्राउन में मगर आ रहा है ब्राउन, इनकी अभी हीट और पड़ी है, ये ज़्यादा पीछे है, तो ब्राउन में कौन है, वो ब्राउन आ गया, अच्छा वो ब्राउन है, ब्राउन हो गया। तो चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट रेस, ये आप बंदा चेक कर सकते हो, ये इंटरनेशनल प्लेयर है और इसका टाइम देखने के लायक होगा, ठीक है, तो अभी चेक कर सकते हो कि स्टार्ट कितना जेन्युइन लिया है उसने, ये चेक कर सकते हो उसकी रेस, वीर खटकर। तो फ्रेंड्स आप चेक कर सकते हो कि ये चक्को, तो फ्रेंड्स चेक करो, तो फ्री स्टाइल है ये, काफ़ी बढ़िया करता है, ये चेक कर सकते हो, और इसकी मैं स्पेशल वीडियो भी डालूंगा, ठीक है, जैसे कि मैंने बटरफ्लाई की वीडियो डाली है, तो ये स्कूल स्टेट है, 200 मीटर कर रहा है अंडर 19। तो फ्रेंड्स जो चेक कर सकते हो कि कितना बढ़िया मार रहा है, 26 सेकंड में इसने फ्री स्टाइल मार दी, ठीक है, 50 मीटर अवॉर्डली इतना ही होगा, तो आप वीडियो में देख लेना, नोट कर लेना। चेक कर सकते हो कि ये पहले हीट होके हटी है, ये दूसरी हीट में है, ठीक है, अंडर 17 की, वाह
क्या बात है। तो फ्रेंड्स चेक कर सकते हो कि कितना बढ़िया टाइम दे रहे हैं ये। 100 मीटर लगभग एक मिनट में मार गया, मतलब कि एक मिनट से कम ही है, 59 मैंने टाइम नहीं नोट किया। वैसे आप चेक कर सकते हो कितना बढ़िया मार रहे हैं ये इंटरनेशनल प्लेयर। चेक करो चेक। तो आप स्कूल स्टेट में ही पता चल जाता है कौन कैसा है कौन कैसा है। तो अभी चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स रहता है कि आपके टाइम ट्रायल अच्छा होना चाहिए, मतलब कि टाइम अच्छी होनी चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट करती है। ठीक है, तो ये चेक कर सकते हो कि 200 मीटर में मारनी है इन्होंने फ्री स्टाइल 200 मीटर। काफ़ी बढ़िया टाइम मार दी, मतलब कि लगभग 1.5 मिनट में इन्होंने मार दी 100 मीटर। अरे 1.5 मिनट में 100 मीटर ख़त्म, समझ लो डेढ़ इसमें। चेक 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 चेक। तो फ्रेंड्स मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो मैं आपको रेस दिखा रहा हूँ, ये स्कूल स्टेट है, कुरुक्षेत्र हो रही है, सेक्टर 10 सेकंड डे चल रहा है, और ये आज 10 तारीख है, 9/2019। ठीक है, तो ये 200 मीटर फ्री स्टाइल देख रहे हो आप, और ये इंटरनेशनल प्लेयर है, मतलब कि इंटरनेशनल खेला हुआ है ये। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो कि इसमें आपको 2 रेसें दिखाई है मैंने। ठीक है, ये ख़त्म कर दी। अभी ये चेक कर सकते हो, ये हल्के फुल्के ये है अपना कि हरियाणा अब गेमों में काफ़ी तरक्की कर रहा है, जैसे कि मेरे हमारे यहाँ स्टेडियम बन रही है काफ़ी बढ़िया। मैं कभी वीडियो बनाऊँगा तो लाइव आऊँगा तो दिखाऊँगा आपको। तो ये चेक कर सकते हो आप। वीर खटकर भी आपको दिखा देते हैं झूम करके क्या कर रहे हैं, वो उधर डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, अभी फेस उधर घुमा रखा है, एक बार फेस इधर करो छोड़ो, ये देखो। ठीक है, तो ये तैयार हो रहे हैं, बबलिंग कर रहे हैं, और क्या है 200 मीटर कुछ भी नहीं है। इधर काड़े की टक्कर चल रही है कि कौन पहले ख़त्म करेगा कौन बाद में ख़त्म करेगा। तो ये चेक कर सकते हो, ये भी ख़त्म, और ये 3 नंबर पे याहू। तो फ्रेंड चेक कर सकते हो 200 मीटर फ्री स्टाइल। तो स्टार्ट में काफ़ी अच्छा स्टार्ट है, 200 फ्री स्टाइल चेक कर सकते हो, लैग मोमेंट चेक कर सकते हो, और 15 में पहुंच रहे हैं। ओके 29 में। तो फ्रेंड्स चेक कर सकते हो 200 मीटर फ्री स्टाइल है ये, चेक कर सकते हो काफ़ी बढ़िया लीड में जा रहा है। हीट नंबर मतलब कि ब्लॉक नंबर 4 में काफ़ी बढ़िया चल रहा है, ब्लॉक नंबर 3 भी काफ़ी बढ़िया चल रहा है, उसके बाद सेट चल रहा है, कुछ नहीं है, कुछ समर्स और डॉल्फिन, इसके ऊपर वर्क नहीं है। अगर इसके ऊपर वर्क हो तो काफ़ी बढ़िया रहे। ओके, ये हुआ अपना 150, बढ़िया। तो फ्रेंड्स चेक कर सकते हो कि काफ़ी लीड है, चार ब्लॉक नंबर 4 ने काफ़ी लीड ले रखी है, और उसके मगर है ब्लॉक नंबर 3 में काफ़ी बढ़िया। ठीक है, और वो ब्लॉक नंबर 1 भी काफ़ी बढ़िया चल रहा है। ये हीट चल रही है, 17 की हीट चल रही है, हीट काफ़ी 4-5 हीटें थी। तो फ्रेंड्स चेक कर सकते हो, और आई थिंक ये चेक कर सकते हो 2-2 में वीर खटकर ने ख़त्म किया, 2-2 पर 2-3-4 में ख़त्म की है, उतना ही टाइम आ रहा है। तो जनवरी या गोल्ड तो उनके पास चला गया, उसके बाद सिल्वर के लिए मेडल रेस हो रही है, सिल्वर में देखते हैं कौन कितना देते हैं, तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। ये हो गया फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं वीडियो वही दिखा रहा हूँ जिनमें रेस अच्छी है, जिनमें रेस अच्छी नहीं है वो मैंने वीडियो बनाई थी मैंने डिलीट कर दी, मतलब कि जो ज़्यादा स्लो थे, जिनका मतलब कि जिनकी रेस ज़्यादा तेज़ नहीं थी, जिसमें आपको देखने में मज़ा ना आए। ठीक है, तो ये हुई अपनी ख़त्म, 2:17:18 में ख़त्म हुई है। तो चलो फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट गर्ल 200 मीटर फ्री स्टाइल, क्या कर सकते हो सही है। तो चेक करो 200 मीटर काफ़ी अच्छा खींच रहे हैं, अच्छा प्रिया भी खींच रही है, अरे वाह प्रिया आगे चल रही है, चलती रहे, चल प्रिया। तो फ्रेंड्स ये 200 मीटर है फ्री स्टाइल, ये है 19, तो चेक कर सकते हो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अति उत्तम।
तो फ्रेंड्स फ्री स्टाइल चल रहा है, ये टक्कर का मुकाबला चल रहा है अंडर 19 में। खींच 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 खींच, तो ये चल रहा है, पर अभी राउंड में पता चल जाएगा कौन कितना है, थक रहा है। चल चल 200 मीटर में चेक कर सकते हो, इधर भी चल रही है बेचारी, उधर भी चल रही है। अभी टक्कर का मुकाबला चल रहा है, प्रिया जो कि कुरुक्षेत्र की है, साथ वाली पता नहीं कहाँ की है, ठीक है। प्रिया खींच रही है, कोल चल रहे हैं, दोनों सेम चल रहे हैं। प्रिया रास्ट का राउंड अगर खींच देगी तो गोल्ड लेके जा सकती है, पर ये तो हीट है, हीट में पता लग जाएगा बहुत अच्छा। तो ये सेम इक्वल डॉल्फिन और ये ओके सेम चल रहे हैं, अभी तक सेम चल रहे हैं और लीड मिलती हुई। प्रिया आगे चल, तो वेरी गुड चल रही है, लीड बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। तो फ्रेंड्स 100 मीटर इनका होने वाला है, अभी 100 मीटर होएगा उसके बाद। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सांस चल रहा है दोनों को, लीड में आती हुई एक नंबर आगे जाती हुई, और मेरी आगे कैप डाली हुई ये, बाकी इधर उधर चलते हुए ये लीड आ गई। बाकी अभी पता चल जाएगा, बाकी प्रैक्टिस के ऊपर भी डिपेंड रहता है, पर काफ़ी अच्छा जा रही है ये, ठीक है। ये क्या बीच में बेम मारते हुए हैंड चेंज करते साथ बेम मार रही है। जॉश मिलता हुआ, तो इसके बाद एक लास्ट का राउंड रह जाएगा, चेक कर सकते हो कि लीड मिलती हुई। और ये प्रिया लेगी सलवार, काफी अच्छा टाइम दे दिया, बहुत अच्छा, अति उत्तम। अभी बाकी रेस चल रही है, ये भी चल रही है इधर धीरे धीरे, उधर भी चल रही है, चेक कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, वो लास्ट का रेट बहुत चल रहा है। तो प्रिया रही ये, प्रिया इधर देख, उसको सुनेगा नहीं। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, वो थर्ड की अभी रेस चल रही है, ये चेक कर सकते हो, खींच रही है, तो ये चेक कर सकते हो आप। इसमें हीट है या नहीं है ये मुझे पता नहीं है, अगर हीट है तो अभी टाइम लगेगा। तो फ्रेंड्स लगभग ख़त्म हो गया, अब नेक्स्ट रेस पर चलते हैं, ठीक है। प्रिया, ये प्रिया आ रही है प्रिया, और ये अभी इसका नाम नहीं पता तो क्या कर सकते हैं। तो चलो अब नेक्स्ट टक्कर पे अंडर 19 फ्री स्टाइल चेक कर सकते हो। अरे खींच रहा है छोरा, अच्छा खींच रहा है, पर पहले राउंड में सारा जोर लगा दिया, तो बाकी क्या करेगा, बाकी गेम में ऐसे होना चाहिए। बाकी 50 मीटर, अरे वाह क्या टाइम मार गया, ओई 13 मार गया, 13 बस होगी, पैं पैं बोल गई, पैं हो गया स्लो। तो पहले मीटर में कभी भी जोर ना लगाओ, अगर आपने 50-200 लॉन्ग रेस करनी है तो रिलैक्स मारो, मतलब कि आराम से लास्ट के राउंडों में खींचो। फिर भी बढ़िया कर गया, 28 दे गया ये, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अगर आपकी रेस अच्छी है तो सही है। ये चल रहा है मुकाबला ब्लॉक नंबर 2 और ब्लॉक नंबर 5 में, टक्कर की क्या टक्कर, चक चक चक, चल लेंदे चल लेंदे चल लेंदे, बस लास्ट रेड है इसके पास। आ चुका 100 मीटर, 100 मीटर होगी, 100 मीटर 100 मीटर, एक मिनट में कर दी 100 मीटर। अब देखो सांस सब खुल गया, पहले ही खींच लेता आराम से, एक ही स्पीड में खींचता तो ज़्यादा बढ़िया रहता। अभी जैसे जैसे ये मारता रहेगा वैसे वैसे होता जाएगा, पैन बोलता जाएगा पैन। तो फ्रेंड्स चेक कर सकते हो, एक नंबर आगे चल गया। देखो ये दिक्कत रहती है कि अगर आप एक ही रेस में चलोगे तो ज़्यादा बेटर रहोगे। रोहन भी आ गया, अरे रोहन भी आ गया है, ये देख सकते हो, पहले इसने बहुत अच्छी रेस खींची है, मतलब कि ये 50 मीटर का है, वो 200 मीटर का है, चलिए लास्ट राउंड है तो काफ़ी अच्छा खींच रहा है, ब्लॉक नंबर 2 काफ़ी अच्छी रेस खींच रहा है, क्या कर सकते हो। इसको अब जोर लगाना चाहिए था, अब जोर लगाता तो अब होता बेनिफिट, तो इसने पहले जोर लगा दिया, चलो कोई बात नहीं, जो भी किया बहुत बढ़िया किया, कहने की बात होती है, प्रैक्टिस अच्छी खासी जिस चीज़ की हम प्रैक्टिस करते हैं वही रहती है। अब ये खींच देगा तो ज़्यादा हो सकता है, अब खींचने के लिए जान नहीं, क्योंकि 50 मीटर स्टार्टिंग में जान लगा दी, स्टार्टिंग में तो फिर रेस तेज खींचनी होती है, पर जो जान है वो 50 मीटर के लगानी होती है लास्ट में। और चको
सही जगह फ्री मीटर भाई सही जगह। ये क्या पहुंचा भी नहीं अभी तक, टच कितनी देर में किया उसने, वाह। लेकिन पहुंचने के बाद टच फिनिश करने की आदत ही नहीं है। तो ये फ्रेंड्स जा रहा है, इसका टाइम बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो चलो अब चलते हैं हम अगली रेस, इसको फिनिश करा के। तो उसके बाद ये रोहन खड़ा है, उसको देख रहा है, ठीक है। तो ये चेक कर सकते हो 19 की हो रही है, ये चकोगे अंदर। ओके तो ये चल रही है 200 मीटर फ्री स्टाइल, रोहन चल रहा है इस वाले सबसे आगे, पर डिपेंड करता है लास्ट तक आगे चलता है। चल जाएगा चल जाएगा चल जाएगा, बढ़िया रोहन चल। वैसे इसने आज 1600 मीटर मारी है, तो 1600 मीटर मारने के बाद तो बॉडी काफ़ी वार्म अप हो जाती है, जिसके कारण प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाती है। बहुत अच्छा रोहन, सही खींच रहा है, वेल डन भाई। मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये यूट्यूब पे डालनी है, और ये चीज़ तू मेरे से वीडियो बना लूँगा ना उसके बाद पूछना। तो फ्रेंड्स चेक कर सकते हो रोहन चल रहा है लीड में, बढ़िया लीड में, चल 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 बहुत अच्छी। तो फ्रेंड्स चेक कर सकते हो रोहन चल रहा है इस वेले सबसे आगे, जो कि कुरुक्षेत्र में रहता है और यहाँ प्रैक्टिस करता है, और आसार है इसके गोल्ड के, और ये हीट है तो पहले भी हुआ है, तो चेक कर सकते हो काफ़ी अच्छी खींच गया ये, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो फ्रेंड्स चेक कर सकते हो ये बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। तो इसके बाद हीट मेरे ख्याल से और नहीं है, ये लास्ट ही है, और इसमें ही पता चल जाएगा कौन कितने में देता है। खींच ले रोहन, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। फ्रेंड ये चेक कर सकते हो, वो दो जो आपस में टकरा चल रहा है, और ये लीड देते हुए वो आपस में लीड देते ये, ये। मैं क्या ये कौन सी रेस कर दी उन्होंने, एक मिनट में ख़त्म कर दी। रोहन दे रहा है बहुत अच्छी, रोहन का ये लास्ट है, तो लास्ट नहीं है, इसके बाद इसका एक लास्ट है। चल रोहन खींच ले अब, चला ये भिंगे हाथ लेके जा रहा है, इसके हाथ दिखाता हूँ मैं, ये चेक करो फ्रेंड्स, जिस स्ट्रोक के ऊपर कभी मेहनत नहीं, मतलब कि टेक्निक्स के ऊपर कभी मेहनत नहीं करता, अगर टेक्निक्स के ऊपर बंदा मेहनत करे बहुत अच्छा हो जाए। जो आखिरी राउंड है अब खींच रोहन, तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। रोहन काफ़ी अच्छा चल रहा है, अपनी हिट में काफ़ी अच्छा दे रहा है, तो ये अभी 50 मीटर में खींच दे, खींच रोहन अभी खींच ले। तो फ्रेंड्स ये चेक कर सकते हो टेक्निक सही है, प्रैक्टिस का मैं हाथ सीधे सीधे चल रहे हैं जो नहीं चलने चाहिए। हाँ बढ़िया 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 बढ़िया, इसका हाथ एक बार फिर से दिखा देता जूम करके कैसे चल रहा है। ये मेरी तरफ इशारा कर रहा है, तो वीडियो बनाता रहा है ये, इसीलिए देख लो चेक कर सकते हो, ये मेरी तरफ इशारा कर रहा है, दूसरा हाथ देखो। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा रोहन कर गया, ठीक है फ्रेंड्स, तो 200 मीटर का एडवांटेज ये इसी चीज़ के ले गया, बहुत अच्छा रोहन। ओए इधर देख रोहन, इसकी ऐसे पहले फट रखी है, कसम से फट रखी है, बुरा हाल रोहन रोहन। ओए डी तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी कर गया रोहन, ऐसे ले ये लास्ट चल रहा है इसका, तो ये होएगा 50 मीटर इसका पूरा, और 200 मीटर सॉरी फ्री पूरा। तो ये चेक कर सकते हो खींच रहा है ये जोर मार के, उधर रेस चल रही है जोर लगा रहे हो, वाह 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 वाह। ठीक है फ्रेंड्स ये चेक कर सकते हो 200 मीटर फाइनल, अब चलेगा फाइनल। तो रोहन ने मेरे काफ़ी अच्छा टाइम दे दिया, ये चेक कर सकते हो उसका 50 मीटर अभी पड़ा हुआ है, उसने जाना है पूरा हो गया, ये कैसे पूरा हो गया उसका। तो चलो अब है अंडर 17 50 मीटर ब्रेस्ट, मतलब कि अब सारी ब्रेस्ट की सारी रेसें दिखाऊंगा। ओ जहर, तो फ्रेंड्स ब्रेस्ट 50 मीटर ब्रेस्ट जो कि काफ़ी अच्छी हो सम, और इसमें मज़ा आने वाला है काफ़ी अच्छा। चेक कर सकते हो क्राउड क्या चल रहा है, हो तो फ्रेंड्स चेक कर सकते हो ब्रेस्ट क्या खींच रहा है, क्या जहर कितने जहर। ओ 50 मीटर ब्रेस्ट, 50 ब्रेस्ट बढ़िया बहुत अच्छा, कैसे कैसे पूरी 50 मीटर ब्रेस्ट। तो फ्रेंड्स 50 मीटर ब्रेस्ट लेग्स नंबर टू, एज कैटेगरी अंडर 17 ब्रेस्ट 50 मीटर, तो इसमें हीट है, तो हीट चेक कर सकते हो 50 मीटर ब्रेस्ट सही चल रहा है, सही चल रहा है 50 मीटर ब्रेस्ट
चेक कर सकते हो, चेक कर सकते हो, बहुत अच्छी रेस चल रही है। ये टाइम ज़्यादा है, पहली हीट में बहुत बढ़िया टाइम था, इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम है। तो फ्रेंड्स ये तो बहुत ज़्यादा टाइम खा गए, इतना महंग मैं तो नहीं देता। तो फ्रेंड्स चलो अब चलते हैं नेक्स्ट रेस में, ये हो गए फाइनल और पहली हीट में। तो फ्रेंड्स चेक कर लो रेस, चेक कर लो रेस, 50 मीटर ब्लास्ट, कोई बड़ी बात नहीं है, 50 मीटर ब्लास्ट है, दड़ दड़ चलती जा रही है, जल्द जल्द सारी रेस चल रही है, टाइम चेक कर सकते हो, फिनिश करो और चलो। हैंड मूवमेंट बहुत तेज होनी जरूरी है 50 मीटर में, लेग्स और हैंड की पावर होनी चाहिए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ख़त्म ख़त्म और ख़त्म। तो चलो नेक्स्ट स्पीड रेस चल रहा है 70 की 50 मीटर गर्ल्स, तो 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक चेक कर सकते हो, 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक, ओ क्या पूछ लिया, सही है। तो फ्रेंड्स 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक अंडर 17 की गर्ल्स है, इनमें हीट होगी, हीट क्या कौन कौन सी होगी मैं सारी दिखा दूंगा। फिलहाल आप देख सकते हो कि बहुत अच्छी रेस चल रही है, सारे इक्वल चल रहे हैं, ज़्यादा अंतर नहीं है, अब पता चलेगा कौन कितने नंबर पे जाता है। और ब्लॉक नंबर 2 आगे चल रही है, अब काफ़ी आगे चल रही है, और ब्लॉक नंबर 3 साथ में ही है, मतलब कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आप देख सकते हो कि आपको साफ दिख रहा होगा। तो इसमें हीट होगी, हीट में जो टाइमिंग रहेगा वो ही पता चलेगा, ये खींच रहे हैं सारे और ये आप चेक कर सकते हो जैसे, आओ क्या ज़बरदस्त रेस है ये, सेम और ये पहले टच कर गई। तो फ्रेंड्स चलो, तो फ्रेंड्स हीट चली सेकंड अंडर 17 की गर्ल, 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक चेक कर सकते हो, पहले का टाइमिंग क्या था वो देख लेना। तो अभी ब्लॉक नंबर 1 काफ़ी अच्छा खींच रहा है, जो एक नंबर में ब्लॉक में काफ़ी अच्छे खींच रहे हैं, चेक कर सकते हो। तो थोड़ा सा जूम कर यार, 10x जूम करता मैं, 10x जूम है मेरे फ़ोन का, आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा जूम है। तो फ्रेंड्स सेम जैसे पहले रेस हुई थी सेम वैसे हो रही है 1x1। तो ये ब्लॉक नंबर 6 भी काफ़ी अच्छा खींच रहा है, अगर देखा जाए 6 और 1 ब्लॉक नंबर लगभग सेम ही है, थोड़ा सा पीछे होकर दिखाता हूँ मैं, 1 नंबर ब्लॉक और 6 नंबर ब्लॉक काफ़ी मतलब कि इक्वली है, तो ये देखना पड़ेगा। अभी 1 नंबर ब्लॉक थोड़ा आगे निकल चुका है, ये आप चेक कर सकते हो, तो ये चेक कर सकते हो ब्लॉक नंबर 1 काफ़ी आगे आ गया, तो 1 नंबर ने फिनिश कर दी। अरे ये तो एक हाथ लगा दी, 2 नंबर 3 नंबर फ्रेंड्स चेक कर सकते हो। तो चलो अगली हीट अंडर 19 ब्रेस्ट स्ट्रोक 50 मीटर देख सकते हो, ये क्या, ये ऊपर हवा में खींची जा रहा है, क्या बात है, पानी में जा ही नहीं रहा, हवा में खींच रहा है, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। तो फ्रेंड्स ये चेक कर सकते हो कि 13 में पहुँचे वहाँ पे, तो ब्रेस्ट ये खींच ली अच्छी ब्रेस्ट 50 मीटर फ्री, इसमें हीट होगी, जितनी भी हीट होगी सारी हीटें दिखाऊंगा, लगभग बढ़िया वाली जो ऐसे वीडियो नहीं वो नहीं होगी। वेरी गुड, हीट इन्होंने ख़त्म कर दी 30। तो फ्रेंड्स ये चेक कर सकते हो, ये हुई हीट ख़त्म, डिस्क्वालीफाई। तो फ्रेंड्स ये 19 की है ब्रेस्ट स्ट्रोक, पता नहीं 19 कौन सा 60 कौन सा कैसे करा रहे हैं, मुझे पता नहीं चल रहा, तो आप देख लो बस, चेक कर सकते हो, अगर आप हो इसमें तो भी देख लो, नहीं हो तो भी देख लो क्या स्ट्रोक कैसे चल रहे हैं, बाकी चल बढ़िया रहे यार, मानो चाहे ना मानो चल बहुत अच्छे रहे, ये चेक कर सकते हो। और जो हुआ पाव 25 बहुत अच्छा खींच ले ये अंडर 19, इसके बाद हीट हुई अंडर 19, अंडर 19 गर्ल्स आएंगी, उसके बाद रिले होगा, ये बहुत अच्छा 50 मीटर ख़त्म हो रहा है, ये 50 मीटर ख़त्म, ओ माय गॉड 31-32 के आसपास है, 36 वाह 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 41। तो फ्रेंड्स अंडर 19 की गर्ल्स 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक हीट नंबर 1 चेक कर सकते हो, ये ब्रेस्ट स्ट्रोक स्टार्ट हुआ और 4-6 किक चेक कर सकते हो। अभी ब्लॉक नंबर 5 सबसे आगे जा रहा है, 5 और 2 में अच्छा खासा अच्छा टक्कर चल रहा है, चेक कर सकते हो, ये हुआ ख़त्म, बढ़िया है, 2 नंबर आगे जाता हुआ, 2 नंबर ब्लॉक आगे जाता हुआ,
खींच रहा है तो चेक कर सकते हो। ये हुई 50 मीटर ख़त्म और ये चेक कर सकते हो ख़त्म और ये ख़त्म। इधर चल रहा है मुकाबला दोनों का बराबर। ये ब्रेस्ट स्ट्रोक तो वो प्रैक्टिस नहीं करती। ये हो रही है रिले इंडिविजुअल, चेक कर सकते हो आप। ये अंडर 17 है तो ये मज़ा आने वाला है, आप देखने वाला है। इसमें आपको मैं बता दूं कि इसमें आने में मारनी है 100-100 मीटर मारनी है, ठीक है फ्रेंड्स। जो 100-100 सारे 100-100 मीटर कंप्लीट करेंगे। रिले में देखने में काफ़ी मज़ा आता है तो रिले चेक कर, रिले में इंडिविजुअल भी डालूंगा रिले। चलो ये काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, 100 मीटर है, चार चार राउंड मारने सबने, ठीक है। एक के ख़त्म हो गए तो दूसरे ने माने तीसरे माने। जो ब्लॉक नंबर चल रहा है 2 सबसे आगे चल रहा है, 3 सबसे आगे चल रहा है, 3 और 2 और ये चल रहा है सुखरीत, खींच। सुखरीत भी सही खींच रहा है, ये चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये देख कर सकते हो 3 और 2, ये सबसे बेस्ट खींच रहा है। इसमें एक बंदा कमज़ोर होगा तो दिक्कत हो जाएगी। चल रोहन, चल चल चल, खींच ले। तो फ्रेंड्स चेक कर सकते हो रिले चल रही है जबरदस्त वाली, वो लीड कवर करते हुए, ये लीड कवर होगी, काफ़ी बढ़िया लीड कवर हो रही है। ये चेक कर सकते हो, ये दोनों इक्वली है। अगर अब इसमें एक भी बंदा कमज़ोर हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। खींच ले, बहुत अच्छा, तीसरे नंबर पे खींच। तो फ्रेंड्स रिले चल रही है, आप चेक कर सकते हो रिले चल रही है। तो ये चेक कर सकते हो, वो 2 टक्कर देती हुई काफ़ी बढ़िया टक्कर दे रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चेक कर सकते हो रिले, और ये उनकी लास्ट है, ये इनकी लास्ट है, उसके बाद खींच खींच ले। तो फ्रेंड्स रिले चला गया। तो फ्रेंड्स ये चेक कर सकते हो, ये रिले बस बहुत 400 मीटर रिले है ये अंडर 17, चेक कर सकते हो कि कितना जेन्युइन चल रहा है। चेक कर सकते हो, खींच बढ़िया चल रहा है, तेज खींच। खींच तेज। तो फ्रेंड्स ये चेक कर सकते हो उनकी चल गई लास्ट, अरे वो खींच लिया, ये देख ये खत्म होगी और इनकी अब ये खत्म होगी। जल्दी चल, ओए लीड ले लियो विकास, लीड ले लेना। तो फ्रेंड्स चेक कर सकते हो इधर लीले हुई खत्म होने वाली, उनकी लास्ट है। तो ये तीसरे नंबर पे चल रहा है अपना कुरुक्षेत्र, तो ये गया विकास कोहली की तरह। तो फ्रेंड्स ये चेक कर सकते हो उनका ये लास्ट है, मीटर ये भी गया। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा, उनकी रिले खत्म हो गई, ये चेक कर सकते हो उन्होंने कितनी जल्दी रिले खत्म कर दी। और लास्ट में ये चल रहा है, मतलब कि तीसरे नंबर पे ये आ रहा है। चल खींच विकास, चल ये कॉल आ गया विकास, चल।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि कितनी लीड चल रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी इनका इक्वल ही है सोमरसॉल्ट और वो आगे चला गया लास्ट। अरे नहीं, नंबर तीन विकास तेज चल, ओ तीसरे नंबर पे वो अब रोक आ गया, तीसरे नंबर पे वो आ रहे हैं और ये ख़त्म हो गई तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे आइए तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा, और ये हुई रिले ख़त्म। तो चलो फ्रेंड्स अभी ये चल रही है लास्ट की, तो चलो अब नेक्स्ट 19 रिले चल चुकी है। सॉरी मैं रिले में मतलब कि एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं कर सकता, तो रिले अंडर 19 कर लो चेक, अंडर 19 रिले इसमें तीन ही है, वाह इनकी तो लग गई। 100 मीटर अंडर 19 रिले चल रही है और मैंने ये थोड़ी पीछे से स्टार्ट की क्योंकि मैं ट्राईपॉड रखने चला गया था। तो चलो अब जितनी भी है देख लो, आप चेक कर लो, लास्ट में आपको पता चल जाएगा कौन गोल्ड है, कौन सिल्वर है और कौन ब्राउन है, क्योंकि आएगी सबकी ही, ठीक है। पहले नंबर पे जा रहा है हीट ब्लॉक नंबर 4, तो देखते हैं कौन कितना मेंटेन रख पाते हैं। आए रब्बा मैं थक गया। फ्रेंड्स वीडियो लाइक कर देना क्योंकि शाम तक लग जाती है, तो ये चेक कर सकते हैं रिले रिले ये अंडर 19 रिले चली है। उससे पहले आपने अंडर 14 देखे रिले, और रिले ये स्पेशल मैं रिले के लिए अलग भी वीडियो बनाऊंगा, मतलब कि रिले अकेले रिले स्ट्रेट स्विमिंग रिले 19 में कूदने के लिए तैयार। ये जंप गया भूम, ये बढ़िया है, शायद कवर कर जाए, पर लीड इनको इनको तो कवर करनी मुश्किल है। ये तीसरे पे है, जल्दी जल्दी चल पाए, चल पल चल पल चल चलो 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 तैयार कूदने के लिए। कूद जा, कूद गया उसके पहले कूद गया, बहुत अच्छा। तो फ्रेंड्स चेक कर सकते हो लीड और देते हुए, वो उनका वो बंदा स्लो है, तो ये देख सकते हो कि एक राउंड की लीड दे दी है। तो ब्लॉक जो 4 है वो तो गोल्ड पक्का कन्फर्मली गोल्ड है, ठीक है। रिले चेक कर सकते हो, बाकी कवर कर दिया अगर किसी ने टाइम तो कुछ भी हो सकता है, ये चेक कर सकते हो। तैयार आगे नेक्स्ट जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, ठीक है। ये चेक कर सकते हो सेकंड नंबर पे ये चल रहा है ब्लॉक नंबर 5, ठीक है। ब्लॉक नंबर 1 चल रहा है सबसे लास्ट में, ये तैयार समर शॉल्ट 50 रहेगी लीड इनकी, ज़्यादा नहीं है इनकी लीड, कवर हो सकती है अगर मुझे लगता है वो लड़का ज़्यादा लीड दे देगा, ठीक है। और ये लेन नंबर 4 है जो काफ़ी लीड दे चुके हैं, ये तो एक राउंड की लगभग दे चुके हैं, एक नहीं तो हाफ राउंड की लीड दे चुके हैं। रिले रिले तो फ्रेंड्स रिले देखने में काफ़ी मज़ा आता है, रिले में काफ़ी जोर रहता है। उससे पहले जो रिले हो गया, ठीक है, वो काफ़ी अच्छी रिले हो गई है, ठीक है। तो स्कूल स्टेट में रिले, ये नेशनल के लिए सिलेक्शन होगी इन रिले में, ठीक है। जो इनमें से जिनका सबसे बेस्ट टाइम होगा वो जाएगी नेशनल के लिए, मतलब कि टाइम बच्चे जो नहीं जाएंगे नेशनल के लिए, ये चेक कर सकते हो। ये नेशनल टाइम ट्रायल के लिए सिलेक्शन हो रही है। रिले तैयार, अभी देखते हैं ये कितना खींचता है। तैयार है पर इन दोनों में लीड नहीं है ज़्यादा, देखते हैं। और ये मुझे लगता है लीड ख़त्म कर देगा वो लड़का, ये खींच रहे हैं इन दोनों में खींच लिया है। तो ये रिले ख़त्म हो रही है, ये लास्ट है इनकी रिले, पर लास्ट उनकी देखनी पड़ेगी। ये रिले ख़त्म हुई अंडर 19 की, ये 50 मीटर रह गया, सॉरी ये 50 मीटर रह गया। तो ये चेक कर सकते हो, ये कवर कर रहा है, वो कवर कर गया है, जो लीड थी वो कवर कर चुका है, वो जो थर्ड था वो काफ़ी लीड कवर कर चुका है। तो अभी देखना पड़ेगा सेकेंड राउंड पर क्या होगा, कि इनका 50 मीटर है, ठीक है, पर जो लीड है वो कवर हो चुकी है, ठीक है। अब वो चला गया रुक, ब्लॉक 1 चला गया लीड में, तो अभी ये डिपेंड करते हैं कि ये लीड कवर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। तो फ्रेंड्स चेक कर सकते हो, ये जो ग्रुप नंबर 4 है, मतलब कि जो ब्लॉक नंबर 4 है, इनकी लास्ट हीट चल रही है, काफ़ी लीड दे चुका है, तो ये लास्ट है, ये चेक कर सकते हो। और ब्लॉक नंबर 1 ने ब्लॉक नंबर 5 को काफ़ी लीड दे दिया है, तो देख सकते हो आधे से ज़्यादा राउंड की लीड आ चुकी है, तो ये काफ़ी बढ़िया है, ठीक है फ्रेंड्स। चेक कर सकते हो इनकी आखिरी जाएगी, और इनका लास्ट प्लेयर अगर खींच लेता है ये ब्लॉक टच एंड जंप, लग नहीं रहा वो लीड मुझे लगता है खो देगा वो, जिस हिसाब से उसकी डाइव थी, ये उसका लास्ट राउंड टच एंड जंप। तो फ्रेंड्स आप देखते हैं ये लीड कवर कर पाते हैं या नहीं कर पाते, अगर ये लीड कवर होगी तो दिक्कत हो जाएगी, और मुझे लग रहा है जितने जोश में चल रहे हैं उस हिसाब से लीड कवर हो जाएगी, ज़्यादा लीड थी नहीं और लीड सिर्फ हाफ राउंड की थी। ये टर्न कैसे मार रहा है, ये समर शॉट नहीं मार रहा, क्या बात है।
तो फ्रेंड्स लीड कवर करने के लिए काफ़ी लीड कवर कर लिया, लीड कवर कर जाएगा जो बंदा लास्ट का, ये चेक कर सकते हो जो उसका लास्ट राउंड ये ख़त्म होगी लीड, इनकी रेस ख़त्म होगी और जो लीड कवर कर गया भाई बहुत अच्छी कवर कर गया, जो लीड आ गई थी बीच में उनका लास्ट का प्लेयर कमज़ोर था और चलो लीड काफ़ी होगी। तो रिले ये अंडर 19 रिले चल रही है, तो फ्रेंड्स ये लास्ट है, इसके बाद गर्ल्स की रिले है, गर्ल्स की रिले भी दिखा दूंगा मैं तुम्हें और रिले की आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी फ्रेंड्स, टेंशन ना लो, रिले स्पेशल रिले की आपको अलग से भी मिलेगी, क्या टाइमिंग है क्या रहा है वो आप देख सकते हैं। तो ये देख सकते हो काफ़ी लीड दे दी मतलब कि भाई ने, उन्होंने लीड कवर की थी पर अभी वापस लीड काफ़ी आ गई, ये चेक कर सकते हो, ये हुई फिनिश इनकी रेस और ये चल रही है इनकी, और इनकी रिले तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा देगी, ये उनके ख़त्म होते होते पर उन्होंने ब्लॉक बल्कि काफ़ी कर लिया। ये अंडर 17 की गर्ल्स आएगी अब, रिले है अंडर 17 गर्ल्स, ठीक है, इसके बाद अंडर 19 गर्ल्स, चेक कर सकते हो रिले, देखते हैं कितना गैप आता है कौन कितना रहता है। तो फ्रेंड्स चेक कर सकते हो ये रिले चल रही है, खींच रही है गर्ल्स, काफ़ी अच्छा खींच रही हैं, अंडर 17 की गर्ल्स है, रिले है इंडिविजुअल 400 मीटर की रिले है ये, ठीक है, बल्कि झज्जर ने तैर का मचाया। तो फ्रेंड्स चेक कर सकते हो बहुत अच्छी रिले चल रही है, तीन का कंपटीशन चल रहा है, ये लास्ट में देखे जाएंगे कौन कितनी कवर करता है, कौन कितना वो करता है। तो ये चेक कर सकते हो बहुत अच्छी चल रही है रिले, अंडर 17 चल रही है गर्ल्स अभी, आप ये इनकी सर्वे की रिले जो स्कूल स्टेट की रिले है वो आपको अलग से भी मिल जाएगी, कहता है इस वीडियो में भी है रिले, ठीक है फ्रेंड्स। तो काफ़ी मज़ा आया होगा, आई होप कि आपको वीडियो में अगर मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक कर देना। ये चेक कर सकते हो रिले ब्लॉक नंबर 4 जो कि काफ़ी अच्छी रिले खींच रहा है, पर डिपेंड करता है कि जब आगे अगला ड्राइवर आएगा तो वो कितनी रिले खींचता है, कितना गैप देता है वो चेक किया जाएगा। अभी अगला तैयार हो रहा है, अगली गर्ल्स तैयार है रिले के लिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको स्कूल स्टेट में मज़ा आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है सुबह से शाम तक, और ये वो अगला देखते हैं कितनी कवर कर पाते हैं। तो ये रिले चेक कर सकते हो, ये रिले वी टच, और मुझे लगता है यहाँ तक कि उनके डाइव के हिसाब से रिले ये खींची जाएंगी, जो ब्लॉक पीछे चल रही है वो खींची जाएगी, ये चेक कर सकते हैं। तो इसमें ये चेक कर सकते हो, ये अंडर 17 में ये, अरे बेटे छोटी सी कुदी, ये चेक कर सकते हो, ये लीड खींच ली इन्होंने, लीड कवर की गई, काफ़ी अच्छी की है लीड, अच्छी खासी दे दी है, चेक कर सकते हो। तो इन्होंने लीड दे दी है ब्लॉक नंबर जो है 3 ने काफ़ी लीड दे दी है। तो फ्रेंड चेक कर सकते हैं, तो ये गई आगे फ्रेंड, ओ लीड, उन्होंने लीड काफ़ी ले लिया अब इन्होंने। तो फ्रेंड्स ये चेक कर सकते हो कि लीड कितनी दे दी है, ब्लॉक नंबर 3 ने 4 को काफ़ी लीड दे दी, पहले काफ़ी बराबर चल रहे थे, बाकी वो लास्ट में पता चलेगा कि क्या लीड रहती क्या नहीं रहती, चेक कर सकते हो। ये ब्लॉक नंबर जो 2 है उनको बहुत ज़्यादा लीड दे रही है अब, तो वो बहुत ज़्यादा लीड लेके पीछे जा चुके हैं। तो अभी ये चेक कर सकते हो कि ब्लॉक नंबर 3 ने 2 को काफ़ी, 3 ने 4 को काफ़ी लीड दे रखी है, तो अभी देखते हैं ये लास्ट क्या है इनका। तो फ्रेंड्स ये चेक कर सकते हो इनका और उनका मुकाबला लगभग सेम ही हो गया है, ठीक है, और उनका सारी लीड कवर कर दी, ये चेक कर सकते हो, ये इन दोनों की लीड टाइमिंग से बराबर चल रही है, पर ये लड़की छोटी सी
उनको लीड देगी। तो ये उनकी लीड भी काफ़ी कवर हो चुकी है, ये चेक कर सकते हो कि उनका लीड भी इक्वल आ गई है, लगभग दोनों की, चारों की लीड इक्वल आ गई है। तो ये डाइव की अगली, ओहो चल 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 चल, लीड चल रही है फ्रेंड, चक्कर से इधर जाने के लिए तैयार। ये दोनों इक्वली है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लीड जो दी थी वो कवर हो गई है। अब लास्ट की इनकी रेस है, अब देखते हैं कितना मज़ा आने वाला है आपको, देख सकते हो। अब रेस अब होगी फाइनल, खींच रहे हैं खींच रहे हैं खींच रहे हैं, तो ये सारी लीड कवर करते हुए ये चेक कर सकते हो कि लीड आ रही है। वो चारों एक जैसा साथ आ गए, पर वो ये दो राउंड पीछे हैं, ये दो लास्ट वाले दो राउंड पीछे हैं। ये इनके ये 50 मीटर है, इसके बाद इनका लास्ट है, ये लास्ट है और इनको लीड दे दी है। चेक कर सकते हो अब लीड अगर कवर कर गए तो कर गए। तो फ्रेंड्स चेक कर सकते हो इधर, तो ये लीड दे के जल्दी चाह गए। तो फ्रेंड्स ये ग्रुप दोनों लीड दे रहे हैं, जो कि काफ़ी लीड पे आगे चले गए। अब ये पहले बराबर आ गए थे, लीड ख़त्म हो गई थी, फिर वापस लीड आ गई। अब ये 50 मीटर है, अगर ये 50 मीटर में 25 मीटर रह गया लास्ट के, ये अगर अभी खींच देते हैं तो भी हो सकता है कुछ, पर अभी फर्स्ट सेकंड का निर्णय हो गया। ये चेक सकते हो कि ये लीड बंद होने वाली है, ये हुई ख़त्म हुई, ये ख़त्म हुई लास्ट, ये ख़त्म हुई। तो फ्रेंड्स इन दोनों के बीच में जो लीड आई है काफ़ी, वो कवर नहीं कर पाई वो लड़की, अब लास्ट में देखेंगे वो कवर कर पाएगी कि नहीं। ये लास्ट है, तो ये चेक कर सकते हो, एक लीड जहाँ पे एक वहाँ पे पहुँच चुकी है, लीड काफ़ी आ गई है, बस अब कवर करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। अब बाकी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो लड़की क्या करती है। लास्ट का जो प्लेयर होता है वो खींचने वाला होना चाहिए, ताकि जो लीड हैगी या कवर हैगी हो जाए तो हो जाए, पर लीड बहुत ज़्यादा आ गई है, अब कुछ भी हो सकता है। ये कूद गए और ये देख सकते हो कि कम से कम नहीं आधे राउंड की लीड है, तो ये अगर कवर कर देती है तो शायद हो भी जाए, पर अब तो एक राउंड की लीड आ जाएगी, अब मुश्किल है। इसने गोगल्स नहीं लगा रखा अभी, तो वो तैयारी नहीं है। अरे अरे गोगल्स भी लगा रखा, अरे देखो वो बिना गोगल्स के अब कूद गई, उसने गोगल्स भी लगा रखा, जल्दबाजी में गोगल्स भी लगाया, गोगल्स लगाया नहीं तो ताना क्या था, गोगल्स लगाया नहीं था, डाइविंग मार दी इन्होंने और कवर नहीं कर पाएंगी, ये जानवरी है और रिलैक्स मारने लग गए हैं। तो ये इनकी लीड ख़त्म होती हुई, तो लीड तो खैर कवर कर दी थी, फिर दोबारा लीड आ गई, तो क्या कर सकते हैं। ये लास्ट है, लास्ट राउंड है, लास्ट राउंड, अगर ये अगले हिट भी ऐसी खुज की जोर से, लीड बहुत है और ये लड़की अगर कवर करगी तो, पर एक राउंड हो गया, लगभग एक राउंड है, एक राउंड की लीड कवर करनी बहुत मुश्किल होती है, नामुमकिन नहीं है, पर अगर खींच ली तो ये चेक कर सकते हो। अंडर 17 की गर्ल्स में जोश, रिले चलता हुआ और मैं टूटी फूटी कमेंट्री करता हुआ, ठीक है, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ये रिले में लास्ट, अब कुछ भी हो सकता है, अब कुछ नहीं हो सकता है, अब कुछ नहीं हो सकता है, बल्कि एक राउंड की लीड है, चेक कर सकते हो, पूरे एक राउंड की, बल्कि 25 मीटर की लीड है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। तो अभी मैं बता देता हूँ, ब्लॉक नंबर जो 3 है वो गोल्ड लेगी है, 4 है वो सिल्वर लेगी है, ब्रॉन्ज लेगी है ब्लॉक नंबर 2। तो फ्रेंड्स यही थी रिले, और अब चलते हैं अंडर 19 की गर्ल्स की रिले, होती है नहीं होती वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स चलो आज के लिए एंड करते हैं, ये तो रिलैक्स कर रही है, ये इनकी रिले रहेगी, इनकी रिले छोड़ देते हैं हम। ये अंडर 19 पीछे ले ली और गो, और मज़ा आने वाला है, आप बैठ के वीडियो बनाने वाले हैं, तो चेक कर सकते हो, खींच दी ब्लॉक नंबर 4 ने रेस खींचती, तो ब्लॉक नंबर 4 अच्छे से रेस खींच रहा है, अभी लास्ट में पता चलेगा कि क्या रहता है क्या नहीं रहता, स्टार्टिंग से नहीं कभी चलता पता रिले में, पर अगर लीड कम से कम 50 मीटर की हो जाए तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी इक्वल चल रहे हैं रिले में, यहाँ तक लग रहा है कि रिले यही ले जाएगी, वो बहुत अच्छा टाइम देगी 50 मीटर में, तो रिले चल रही हुई अंडर 19 की, उसके बाद गर्ल्स की आएगी अंडर 19 की रिले की, अलग से वीडियो आपको मिल गई होगी, नहीं मिलेगी तो आप चेक कर लेना, रिले की अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। ओनली स्टेट नेशनल के लिए टाइम ट्रायल है, स्कूल स्टेट रिले मैं दिखा दूंगा आपको, रिले ये आप चेक कर सकते हो।
ये तैयार कूदने के लिए गो, और दूसरा भी कूदने के लिए तैयार गो अंडर 19। अब देखते हैं रिले में गैप मिनिमम आ गया है 10 मीटर का आ गया है, 10 मीटर 25 मीटर चेक कर सकते हो, चेक कर सकते हो। और लीड खींचते हुए लीड, अब ये इन दोनों के बीच में मुकाबला चल रहा है और ये भी काफ़ी अच्छे खींच रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सॉरी खांसी लगी है फ्रेंड्स, लाइक कर देना, सुबह से भूखा बैठा हूँ वीडियो बनाने के चक्कर में, आपको पूरा कंपटीशन दिखाने के चक्कर में, आप लाइक भी नहीं करते तो लाइक कर देना यार। चेक करो, ओ गया, वाह 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 वाह, चले गए चले गए चले गए। रिले ये देखने वाली है, काफ़ी अच्छी खींच रही है, ये बहुत लीड में चल रहा है। ये शाबाश शाबाश, ये फ्रेंड्स चेक कर सकते हो कि जो चार नंबर है वो आधे राउंड के लीड में चल रहा है, जो दो नंबर है वो एक राउंड के लीड में चल रहा है, जो तीन है वो डेढ़ लीटर मतलब कि डेढ़ मीटर की राउंड मतलब कि राउंड डेढ़ राउंड में चल रहा है, डेढ़ मीटर कह रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या बोली जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आप चेक कर सकते हो, ओ डाइविंग तो अच्छी है। तो फ्रेंड्स अभी चेक कर सकते हो कि क्या रेस जा रही है, ये चेक कर सकते हो, तो इनकी कंप्लीट होने वाली है, तो आगे वो रेस तैरने के लिए तैयार है और खींचने के लिए तैयार, पोजीशन लेने के लिए तैयार और गो। और तो फ्रेंड्स चेक कर सकते हो कि ये लीड ले रहे हैं, तो ये चेक कर सकते हो, तो इसके बाद इनकी लास्ट है, ये एक मिनट की बहुत लीड दे रही है, बहुत ज़्यादा लीड दे रही है, तो ये बहुत अच्छा टाइम दे दिया है, तो ये चेक कर सकते हो 50 मीटर, ये लास्ट इनका 50 मीटर, उनका लास्ट 50 मीटर खत्म होने वाला। तो फ्रेंड्स इधर कूदने के लिए तैयार हो रहे हैं ब्लॉक के लिए, और ये जंप जाने के लिए तैयार, और ये जंप। तो फ्रेंड्स ये चेक कर सकते हो, ये इनका 50 मीटर रहता है, ये 50 मीटर की लीड दे चुके हैं जो कि काफ़ी है। तो जो लेन नंबर तीन चल रही है ये भी अब एक राउंड के पीछे चल रही है, और अगर देखा जाए तो ये ऐसे चलती रही तो मुझे लगता है लेन नंबर टू जो है वो एक राउंड अपना कवर कर लेगी पूरा का पूरा। इधर जारी जाने के लिए तैयार, तो ये इनका लास्ट प्लेयर फ्रेंड्स, ये इनका लास्ट प्लेयर गया, ये लास्ट प्लेयर ख़त्म करेंगे, तो उनका कूदने के लिए तैयार, वो बेचारा आँखों सुखों होकर पूरी कर रहा है रिले, चेक कर सको, हाय हाय ये रिले उन्होंने कर दी 50 मीटर, ये चेक कर सकते हो, ये उनका भी आगे कूद गया प्लेयर ए, इनका भी आगे कूद गया, पर आप कवर हो सकती है तो भाई कवर कर देगा मुझे लगता है, यहाँ तक पता लगा लीड दे देगा, लेकिन लीड कवर क्या करेगा, लीड दे देगा। इनकी तो लास्ट ख़त्म हो गई, इनका टाइम ख़त्म हो गया, ये लास्ट 50 मीटर, तो वो काफ़ी अच्छी खींच रहा है, बहुत अच्छी रेस खींच रहा है, तो जो कवरिंग है वो करनी थोड़ी मुश्किल होगी, पर ले ब्लॉक नंबर एक को, ब्लॉक नंबर एक बहुत पीछे जा रहा है। ये चक्कर 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 रिले, जहर जहर जहर, ये तो रिलैक्स कर रहा है, ये भाई अपना रिलैक्स कर रहा है रिले ख़त्म करने के बाद। ये जो को इनका लास्ट है, ये पंचिंग लास्ट राउंड, लास्ट राउंड ये हुई इनकी रिले ख़त्म। रिले चेक कर सकते हो कि अंडर 19 ने कितने में की रिले, और ये कूदने के लिए तैयार, और ये लगा दे हाथ, अरे लग गया हाथ, ओ जंप मारी हनुमान की तरह, ये जा रहा है, ये चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो, ये रिले ख़त्म, चेक करो, अब इन दोनों के बीच में मुकाबला, लीड हैगी है काफ़ी, एक राउंड की है तो मुश्किल ही है इनका, तो हो गया ये फैसला होना था। तो फ्रेंड्स जो चार नंबर है वो गोल्ड लेगी, जो तीन नंबर है वो सिल्वर लेगी, और जो दो नंबर है वो ब्राउन ले जाएगी, क्योंकि इनका तो बस पूरी करने का ही सिस्टम है और इनकी रेस ख़त्म होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, 50 मीटर रहता है और ये 50 मीटर ये लास्ट राउंड इनका, और ये अब कूदा है उनका 100 मीटर, कहाँ कवर कर लेगा वो, भाई चल रहा है चल 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 चल, पर कवर करनी मुश्किल है उसको, 50 मीटर कवर करनी है तो 50 मीटर कवर करनी बहुत मुश्किल है उसको, चलनी चाहिए खींच के, नहीं कवर कर पाएगा, नहीं कवर पाएगा भाई, 50 मीटर कहाँ कवर कर पाएगा, उसका लास्ट राउंड कह रहा है मैं उसके साथ ही चलूँगा। जय बजरंग बली, तक गया सांस फूल की। फ्रेंड चेक कर सकते हो, बहुत अच्छी रिले आपको देखने को मिली, ये लास्ट राउंड है, लैप आएगी अभी, ये आप चेक कर लेना, ये हुई रिले अंडर 19 फिनिश। अंडर 19 गर्ल्स रिले 400 मीटर
अंडर 19 तो ये लास्ट है और रिले की मैंने अलग से भी वीडियो डाली है और वीडियो में स्कूल स्टेट में भी आपको मिल गई होगी रिले एंड में। तो फ्रेंड्स सपोर्ट कर दो, वीडियो लंबी है, भूखे पैसा आए बैठे हैं, लाइक कर दो। खांसी जुकाम हो रहा है फिर भी वीडियो बना रहे हैं, कुछ तो शर्म करके लाइक कर दो। चलो कोई बात नहीं, रेस देखो और इंजॉय करो रिले। ब्लॉक नंबर 4 खींचता हुआ रेस, तो ये चेक कर सकते हो आप रिले के लिए। जज्बातों में चश्मा लगाने भूल गए और ऐसे कूद गए। तो फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखना कि आपने 50-100 मीटर करनी है, 4 राउंड मारने हैं सबने, ठीक है। और जितना तेज मारोगे उतना बेनिफिट रहेगा क्योंकि 4 राउंड तो है, वजह कौन से 200 राउंड मारने हैं। ओके तो आप क्या करते हो, ये नेशनल के लिए सिलेक्शन होगी इसी में रिले में। तो मेरे मोबाइल की बैटरी भी बस 18% ही है, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो चेक कर सकते हो, कूदने के लिए तैयार विदाउट गॉगल्स अंडर 19 में। और ये जंप डाइव बहुत खूबसूरत मारते हुए, डॉल्फिन भी काफ़ी अच्छी करते हुए जो जाते हुए। और अगला तैयार कूदने के लिए, और ये डाइव के हिसाब से लगते हैं ये लीड और कवर करवा लेंगे ये लीड, तो खींच तो अच्छी खासी रहे हैं। और ये लास्ट भी कूदने के लिए तैयार, ये इनकी लीड कवर करते हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये चेक कर सकते हो कब तक हाथ मार के पहुँचाएगी। ये अगला प्लेयर तैयार है कूदने के लिए और ये अब कूदा, यहीं पे जंप मार के कूदे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स राउंड कवर करना है, एक राउंड की लीड कवर करनी है। तो ये कहाँ जा रही है, अरे ये कहाँ जा रही है सपूंगू। तो फ्रेंड्स ये चेक कर सकते हो, रेंड तो अच्छा खींच रहे हैं काफ़ी अच्छा। तो फ्रेंड्स गेम को दो बढ़ावा और देखो स्विमिंग मेरे चैनल पे, स्विमिंग स्टेट। अगर बिगनर हो स्विमिंग सिखाता हूँ, वगैरह ड्रिल्स ड्रिल्स भी डालता हूँ। नेक्स्ट सीजन में मेरी ड्रिल्स ज़्यादा आएगी मैं पहले बता दूँ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये चेक कर सकते हो, बाकी अगर किसी को समर शॉट नहीं आती उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, आप चेक कर सकते हो, समर शॉट के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो इन्होंने करनी है 50 मीटर और ये लूप। तो फ्रेंड्स अगले कूदने के लिए तैयार, चेक कर सकते हो ये डाइव। तो इन्होंने करना 50 मीटर का राउंड आ गया है, बहुत फ़र्क पड़ गया है। तो ये ब्लॉक नंबर 3 ये कवर कर सकते हैं, ज़्यादा रेस है नहीं, इतना फ़र्क पड़ा नहीं है। बस एक राउंड का ही फ़र्क है। रिले चलती हुई अंडर 17 की 19 की गर्ल्स की, और ये लास्ट ही है, लास्ट है इवेंट, लास्ट है ये। 10th तारीख है, 9वां महीना है 2019 चल रहा है और स्कूल स्टेट चल रहा है। स्कूल स्टेट में रिले हो रही है, रिले हो रही है नेशनल के लिए। जिनका सबसे बेस्ट टाइम रहेगा वो जाएगा नेशनल के लिए, ठीक है। इसमें सभी की हुई रिले, ठीक है। तो ये चेक कर सकते हो कि काफ़ी अच्छा कवर करती हुई। तो जहाँ तक मैं मेडल की बात की जाए, तो यहाँ पे जो फर्स्ट मेडल लेके जाएगी वो ब्लॉक नंबर 4 लेके जाएगा, और जो सिल्वर लेके जाएगा वो ब्लॉक नंबर 3 लेके जाएगा, और जो ब्राउन लेके जाएगा वो ब्लॉक नंबर 4 लेके जाएगा, 5 लेके जाएगा। तो इधर कूदने के लिए तैयार एकदम, गॉगल्स रेडी। और जो इधर लास्ट की रेस तैयार हो रही है, और ये लगा हाथ टच और जो डाइव, और डाइव में मुझे लगता है आई थिंक चश्मा बच गया, तो ये खींच रहे ज़ोर से। तो ये ब्लॉक आप चेक कर सकते हो, ब्लॉक नंबर 4 के लिए कूदने के लिए तैयार, ये आप चेक कर सकते हो। क्वेश्चन तैयार, मुझे जहाँ तक लग रहा है ये अच्छी खासी लीड देंगे, और डाइव काफ़ी बढ़िया हमारी, पर पैर आगे पीछे। अगली डाइव तैयार और ये भी तैयार, ओ पूल का आधा पानी बाहर। तो ये हुई रेस, पर खींच तो अच्छी रहे हैं, पर ब्राउन है वो कवर करना मुश्किल है, पर काफ़ी अच्छा खींच रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप चेक कर सकते हो, काफ़ी अच्छा खींच रहा है इन्होंने। अभी ब्लॉक नंबर 4 काफ़ी खींच रहा है, और ये
तीन का भी लास्ट रेस है, उसके बाद इनकी लास्ट डाइविंग रहेगी। डाइविंग के बाद देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो फ्रेंड चेक सिक्स को तो इधर चेक कर सकते हो। आयुष बैठा हुआ है, देखो ये भी स्विमर है। आयुष बैठा हुआ है आराम से, कुछ नहीं कर रहा है, चिल मार रहा है। तो फ्रेंड्स इधर हुई है ख़त्म, ये होगी ख़त्म रिले। आप चेक कर सकते हो अंडर 19 की गर्ल्स ने ख़त्म की रिले, और अब इनकी ख़त्म होने वाली है रिले। काफ़ी बढ़िया कर दी अंडर 19 में रिलेज, अब रिलेज बोल रहा हूँ सॉरी रिले। तो अभी आप चेक कर सकते हो, ख़त्म होने वाले यार, ख़त्म होने वाले यार, ख़त्म होने वाले यार, और ये फिनिश, इनकी फिनिश होने वाली है रिले। ठीक है फ्रेंड्स, ये चेक कर सकते हो, बस ख़त्म 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 ख़त्म, एक लास्ट की डाइव उसके बाद रिले ख़त्म। हाँ जी, ये रिले में टाइम ट्रायल है। फोर हंड्रेड इंटू फ्री स्टाइल रिले, जिन्होंने टाइम देना है दे सकते हो, वो अनाउंस कर रहे हैं। ये लास्ट है, तो फ्रेंड्स समझ सकते हो कि इनका टाइम कितना आएगा। तो वो रिले हुई ख़त्म, तो चलो अब एंड करते हैं वीडियो का बाद। तो फ्रेंड्स आपने देख ली है सारी स्विमिंग स्टेट के डे सेकंड, इसमें मैंने रिले इंक्लूड नहीं की, बाकी देखते हैं अभी रिले हो रही है तो इंक्लूड भी कर दूंगा, क्योंकि अभी मैं ये शूट मैं पहले ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी कम है तो मैंने सोचा कि शूट ले लूँ। अभी रिले की तैयारी चल रही है, मैं थोड़ी दिखा देता हूँ, यहाँ वहाँ देखो रिले की तैयारी चल रही है, बच्चे तैयार हो रहे हैं रिले के लिए, तैयार है लगभग। तो आपको डे सेकंड लगभग सारा मिल जाएगा देखने को। कुछ रेसें हैं लॉन्ग रेसें हैं जो मैंने नहीं शूट की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो चुकी, फिलहाल अभी भी बहुत लंबी है। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो फ्रेंड्स अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना और इसी तरह सपोर्ट करना। कल लास्ट डे है हरियाणा स्विमिंग, हरियाणा स्कूल स्टेट चैम्पियनशिप का 2019 का। तो चलो एंडिंग करते हैं, कुरुक्षेत्र सेक्टर 10 की, सेक्टर 10 में द्रोणाचार्य स्टेडियम में। अभी ये चेक कर सकते हो, स्टेडियम बन भी रही है ये वाली, ठीक है, यहाँ पे मार्च पास होना जो नहीं हुआ। तो चलो फ्रेंड्स एक चीज़ और बता दूँ कि आज डेट है 10 तारीख नवा महीना 2019, तो ये है सेकंड डे स्टेट का, ठीक है, स्कूली स्टेट का। तो चलो एंड करते हैं, बाय, थैंक यू वॉच द वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है, इंस्टाग्राम है, बाकी टेक्निकल लवली मनी को भी सपोर्ट करना, तो बाय। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको मज़ा आया होगा स्कूल स्टेट देख के सारी स्विमिंग। तो फ्रेंड्स ये स्विमिंग बाय मनी चैनल जिसके ऊपर आप वीडियो देख रहे हैं, टेक्निकल लवली मनी जिसके ऊपर मैं मोबाइल की अनबॉक्सिंग करता हूँ और गेमिंग टेस्ट करता हूँ वगैरह अन्य गैस की। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, थैंक यू वॉच द